नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रवि हमारे यूट्यूब चैनल द टेक्लियो एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के इस बदलते हुए समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स और खासकर उनके पेरेंट्स के मन में करियर को लेकर बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि हम 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, आगे पढ़ाई करें, नौकरी करें या कोई बिजनेस करें। तो इस वीडियो में हम आपको करियर को लेकर पूरी जानकारी देंगे, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो बिना ज्यादा समय लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर करियर किसे कहते हैं। तो बेसिकली जब हम सेल्फ डेवलपमेंट और अर्निंग के बारे में बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम 10वीं के लिए शुरू करते हैं। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं कि 10वीं के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब। तो फिर एक एक करके हम तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अगर हम 10वीं के बाद आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो या तो हम 12वीं करें, PCM, PCB, कॉमर्स या आर्ट्स। फिर हम ITI या डिप्लोमा कर सकते हैं अलग अलग ट्रेड्स, और हम कुछ हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जो हम 10वीं के बाद कर सकते हैं। ये कुछ कोर्सेज दिए गए हैं, और भी कई सारे कोर्सेज हैं जो हम 10वीं के बाद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं 10वीं के बाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे में। तो रेलवे में ये कई सारी पोस्ट हैं जो 10वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और इनका अलग अलग पे स्केल है। तो फिर नेक्स्ट हम SSC, 10वीं के बाद SSC की भी पोस्ट आती हैं, तो इनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। SSC, MTS या ये पोस्ट जो हैं इनमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम डिफेंस में भी कई सारी पोस्ट आती हैं जो हम 10वीं के बाद अप्लाई करें। DBP कांस्टेबल, कांस्टेबल असम राइफल्स, CRPF कांस्टेबल, और ऐसे ही कई सारी पोस्ट आती हैं जो 10वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है PSU का। कई सारी जो सरकारी कंपनियां हैं वो 10वीं के बाद पोस्ट अपनी वैकेंसीज निकालती हैं, उनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास कई सारी स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं, जो स्टेट वाइज हम सारी स्टेट गवर्नमेंट निकालती हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक पोस्ट आता है ग्राम डाक सेवक, जिसको हम GDS भी बोलते हैं। ये भी स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट का आता है। तो अगर हम बात करें कि 10वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब की, तो जो सबसे ज़रूरी, अगर मतलब हम गवर्नमेंट जॉब करना ही चाहते हैं 10वीं के बाद से डिसाइड कर लिए, तो हम अगर आप ITI कर लेते हैं तो ये सब मतलब बहुत ही बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मैक्सिमम गवर्नमेंट पोस्ट में जो है कि ITI मांगता ही मांगता है। ये रेलवे की बात करें, ऐसे ही कई सारी जो वैकेंसी जाती हैं उनमें आपको किसी न किसी ट्रेड से बोलता है कि आप ITI किए रहें तो फिर आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शन है अगर हम प्राइवेट नौकरी करना चाहें 10वीं के बाद। तो ऑफिस अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट या गार्ड्स या डिलीवरी बॉय, ऐसे ही कई सारे ऑप्शन हमारे पास हैं जो कि हम 10वीं के बाद चूज कर सकते हैं। आगे हम 12वीं के लिए बात करते हैं। तो इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं कि 12वीं के बाद हम आगे पढ़ना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं या प्राइवेट जॉब लेना चाहते हैं। तो इन तीनों के बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो 12वीं के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें, मेडिकल करना चाहें, तो ये कई सारी ब्रांचेज हैं जो आप कर सकते हैं, या मेडिकल MBBS, BDS, BFarm, DFarm, BSc नर्सिंग जैसे कई सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉमर्स, कॉमर्स में आप जा सकते हैं। तो ये सारी और भी कई सारे हैं जो कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, या लॉ के कोर्सेज हो गए, आर्किटेक्चर के कोर्सेज हो गए, मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज हो गए, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो गए, और कई सारे कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं जो हम 12वीं के बाद इनको करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि
आज के समय में वेब डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, या डिजिटल मार्केटिंग के हो गए, ग्राफिक डिजाइनिंग के हो गए, इसी तरह से कई सारे बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं, उनको करके हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो रेलवेज़ का ऑप्शन आता है, तो रेलवेज में ये कई सारी वैकेंसी जो आती हैं जो हम 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एसएससी में भी वैकेंसी जाती है, तो एसएससी में भी हम 12वीं के बाद एसएससी सीएचएसएल या स्टेनोग्राफर जैसे पोस्ट आते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डिफेंस में हम क्या है, नेवी में नेवी AASR करके पोस्ट आता है, ये CIS हेड कॉन्स्टेबल का पोस्ट आता है, या NDA में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर PSU जो सरकारी कंपनियां हैं उनके भी पोस्ट आते हैं 12वीं के बाद के पोस्ट, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी जाती हैं अलग अलग स्टेट की 12वीं के बाद से, उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि UP में इस समय एक फॉर्म आया है UP SSC PET करके, जो फॉर्म है इसका मतलब है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी इन दोनों का कम्बाइन जो प्री एग्ज़ाम होता था, सारी वैकेंसीज के जो अलग अलग एग्ज़ाम होते थे उनका बस एक एग्ज़ाम होगा, उनका प्री का एक एग्ज़ाम होगा, ये पेट होगा, उसके बाद से जो पोस्ट आएंगे उनका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी 10वीं से ही शुरू हो जाती है, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन पेट के लिए आप तीनों ही एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है स्टेट पुलिस की वैकेंसी जाती हैं जो 12वीं के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस की भी वैकेंसी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 12वीं के बाद हमारे पास प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शन है। तो ये जैसा कि हम देख सकते हैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, एकेडमिक में आप प्राइमरी लेवल पे अगर आप अच्छी टीचिंग आपको आती है, अच्छी टीचिंग क्वालिटी है, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, मार्केटिंग में NGO वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ट्रेनर बन सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग कंपनियों कई सारी अपनी पोस्ट निकालती हैं सर, उनमें आप 12वीं के बाद अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम ग्रेजुएशन के लिए बात करते हैं, तो इसमें भी हम इस वक्त तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। तो उसके लिए बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो हम कई सारे कोर्सेज में हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कई सारे और भी कई सारे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में आगे पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब में, तो फिर ये कई सारी जो प्राइवेट जॉब के लिए या फिर और भी कई सारी वैकेंसीज होती हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं। फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब हमारे पास ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं UPSC, तो UPSC ये भी कई कैटेगरीज में अपना एग्ज़ाम लेती है, CSE, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, CDS, CFBF, तो इसकी भी पोस्ट आती हैं, इसके में इनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद से। फिर हम बात करते हैं रेलवेज की, तो रेलवेज की भी वैकेंसी जाती हैं ग्रेजुएशन के बाद से, तो अलग अलग वैकेंसी आती हैं JEE, NTPC ग्रेजुएट पोस्ट, DMRC रिक्रूटमेंट, तो इनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट SSC की भी पोस्ट आती हैं ग्रेजुएशन के बाद से, SSC CGL, CPU, SSC JEE, तो इनमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर बैंकिंग के पोस्ट आते हैं IBPS PO, ग्रेड ए ग्रेड बी SBI PO, IBPS क्लर्क, ये सारे वैकेंसीज आती हैं, इनमें हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद से। नेक्स्ट आता है डिफेंस में हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें हम अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद से, ये कई सारे फॉर्म आते हैं तो इनके एग्जाम्स होते रहते हैं, इनमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं ग्रेजुएशन के बाद से भी, जैसे कि UPSI, UP में भी हाल ही में वैकेंसी आती है UPSI की, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट का अपना ग्रेजुएशन के बाद से भी पोस्ट आते रहते हैं। अभी हमने करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया, अब हमारे मन में सवाल आता है कि सर इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम डिसाइड कैसे करें कि क्या करना है। तो सबसे पहले हमें किसी की कही सुनी बातों पर नहीं जाना है, आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, फिर आप डिसाइड करिए और किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।